हाय क्रेज, मैं हूँ काजल। मैं हूँ सागर और आज हम रिएक्शन करने वाले हैं मॉस्क टर्न इनटू टेंपल, मतलब मस्जिदों को टेंपल में बदला गया। जो आजकल जो चल रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद का भी चल रहा है कि जो टेंपल से मस्जिद में बदली गई थी शायद से, तो इसी के ऊपर शायद से वीडियो है। तो चलिए देखते हैं पहले पूरा वीडियो, पर उसके ऊपर अभी रिजल्ट नहीं आया है सुप्रीम कोर्ट का, तो पहले उसे सुनेंगे, उसके बाद ही कुछ हम बताएंगे कि वो सच में मंदिर था या पहले से ही मस्जिद थी। पहले देखते हैं वीडियो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। भारत के बहुसंख्यक समाज का दिमाग मुसलमानों से नफरत के कारण इतना सड़ चुका है कि इनको एक मस्जिद में लगे फुंवारे में भी शिवलिंग नजर आता है। कोई भी हिंदुत्ववादी नेता कभी भी खड़ा होकर एक मस्जिद का नाम लेकर कह देता है कि इस मस्जिद के नीचे फलाने भगवान का मंदिर था, बस बहुसंख्यक समाज आंखें बंद करके रोजगार, शिक्षा, पेट्रोल, डीजल, गैस सब भुलाकर उस नेता के पीछे चल देते हैं। सबूत, तथ्य, फैक्ट्स से इनको कोई लेना देना नहीं होता, बस इनको इनके मन मुताबिक मुसलमानों के खिलाफ काम होता नजर आता है। तब ये बहुसंख्यक समाज जुल्म की हदें पार करते हुए भी शर्म महसूस नहीं करता। दोस्तों, यूं तो भारत की हजारों मस्जिदों को तोड़कर उन पर कब्जे करके मंदिर बना दिए गए हैं, मगर आज मैं आपको कुछ ऐसी मस्जिदों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो अपनी असल शक्ल में मौजूद तो आज भी हैं, मगर उन मस्जिदों में अब नमाज नहीं बल्कि आरतियां हो रही हैं। जामा मस्जिद फर्रुख नगर, हरियाणा। हरियाणा के गुरुग्राम जिले के फर्रुख नगर की स्थापना मुगल गवर्नर फौजदार खान ने सन 1732 ईस्वी में की थी। फौजदार खान जब इस जगह के नवाब बने तो उन्होंने कई इमारतें तामीर करवाई, जिनमें सबसे खास वहां की जामा मस्जिद थी, जहां हर जुमे के दिन शहर के मुसलमान जुमे की नमाज अदा करते थे। मगर जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो यहां के हिंदुओं और सिखों ने मुसलमानों को यहां से भगाकर इस मस्जिद पर कब्जा कर लिया और इसे मंदिर में कन्वर्ट कर दिया गया। आज इस मस्जिद का नाम श्री सीताराम मंदिर और गुरुद्वारा है। बताओ, क्या हमारा बहुसंख्यक समाज हमें हमारी ये मस्जिद वापस करेगा? खिलजी जुमा मस्जिद, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। दोस्तों, यूं तो हिंदू धर्म ग्रंथों में भारत माता नाम की किसी देवी या किसी औरत का जिक्र तक नहीं मिलता, फिर भी हमारा बहुसंख्यक समाज राजनीतिक सोच के कारण किसी को भी देवी या देवता का दर्जा देने से संकोच नहीं करता। 14वीं सदी में अलाउद्दीन खिलजी के बेटे कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक खूब बड़ी मस्जिद तामीर करवाई, जिसे खिलजी जुमा मस्जिद कहा गया। सदियों तक इस मस्जिद में एक अल्लाह की इबादत होती रही, मगर जैसे ही यहाँ से मुसलमानों की हुकूमत खत्म हुई, इस मस्जिद में जबरदस्ती मूर्तियां रख दी गई और फिर इस मस्जिद को भी मंदिर बनाकर इसमें पूजा शुरू कर दी गई। आज भी इस मस्जिद पर बहुसंख्यक समाज का कब्जा है, जिसे भारत माता मंदिर नाम दिया गया है। दानासिर मस्जिद, हिसार, हरियाणा। एक वक्त था जब हरियाणा के हिसार में मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद थी। आज भी यहाँ कई इस्लामिक इमारतें हैं जो फिरोज शाह तुगलक के दौर से बनती आई हैं। मुसलमानों की हुकूमत में यहाँ दानासिर बहलूल शाह के नाम पर एक मस्जिद बनवाई गई, जिसे दानासिर मस्जिद कहा गया। अफसोस की बात है कि जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तब हिसार में बहुसंख्यक समाज ने मुसलमानों पर जुल्म की हदें पार कर डाली। कई मस्जिदों को शहीद किया गया, कईयों को मंदिर में तब्दील कर दिया गया, जिनमें से दानासिर मस्जिद भी एक थी। आज भी इस मस्जिद में खुलेआम हिंदू धर्म की पूजा होती है। बहुसंख्यक समाज को जब किसी देवता का नाम नहीं सूझा तो दानासिर बहलूल शाह को ही दानेश्वर भगवान बनाकर पूजने लगे। क्या आज के हमारे मुस्लिम संगठनों में इतनी ताकत है कि इन मस्जिदों को वापस छुड़वा सके? जामा मस्जिद, सोनीपत, हरियाणा। हरियाणा के ही सोनीपत में 19वीं सदी के शुरू में इस जामा मस्जिद को बनवाया गया था, मगर अफसोस आज इस मस्जिद को मुसलमानों से छीनकर मंदिर में तब्दील कर दिया गया है। वहां के लोग आज भी इसे बड़ी मस्जिद के नाम से ही पुकारते हैं, मगर मंदिर का नाम दुर्गा माता मंदिर रखा गया है। इस मस्जिद की दो मीनारे और गुम्बद मुसलमानों से पुकार पुकार कर कहते हैं कि आखिर कब तुम अपने हक की आवाज उठाओगे।
बाबरी मस्जिद, अयोध्या, उत्तर प्रदेश। बाबरी मस्जिद को ना हम भूले हैं, ना ही हमारी नस्लें इसे भूलेंगी। सब याद रखा जाएगा। 6 दिसंबर 1992 का वो काला दिन था जब बहुसंख्यक समाज का जुल्मी चेहरा पूरी दुनिया के सामने जाहिर हुआ था। इन्होंने अल्लाह के घर को शहीद कर दिया सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए। भले ही तुम्हारे पास आज ताकत है, सत्ता है, मगर याद रखना, वो दिन जरूर आएगा जब हक ये जमीन फाड़ कर जाहिर होगा और फिर तुम उसका मुकाबला नहीं कर पाओगी। आज भारत का मुसलमान इस गलत फहमी में है कि भारत का संविधान और भारत की न्यायपालिका मुसलमानों की मस्जिदों और मुसलमानों के दीन की हिफाजत करेंगी। अगर ऐसा ही होता तो आर्टिकल 1991, जिसमें कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 से पहले जितनी भी धार्मिक जगह हैं, उनमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा, चाहे मंदिर की जगह मस्जिदें बनी हो या मस्जिदों की जगह मंदिर बने हो। इस आर्टिकल के बावजूद ज्ञानवापी मस्जिद का केस शुरू होता है। मस्जिद में वीडियोग्राफी होती है। वजू खाने के फव्वारे को शिवलिंग बताकर वजू खाने को सील कर दिया जाता है। मुसलमान अब ये उम्मीद छोड़ दे कि न्यायपालिका से मुसलमानों के हक में फैसला आएगा। कहाँ है वो सरकारी मुसलमान जो कहते थे कि मुसलमानों को बड़ा दिल दिखाकर बाबरी मस्जिद की जमीन बहुसंख्यक समाज के हवाले कर देनी चाहिए ताकि मुल्क में अमन और शांति कायम हो। बताओ, इस अमन और शांति के लिए ज्ञानवापी मस्जिद को भी शहीद करवा ले? अभी तो शुरुआत है। ज्ञानवापी के बाद मथुरा की ईदगाह मस्जिद, पांडवा की अदीना मस्जिद, जौनपुर की अटाला मस्जिद, अहमदाबाद की जामा मस्जिद, विदिशा की बीजा मंडल मस्जिद, दिल्ली की कुवतुल इस्लाम मस्जिद और दिल्ली की जामा मस्जिद की तरफ ये बहुसंख्यक समाज दौड़ लगाने वाला है। बैठे बैठे इंतजार करते रहिए। तो बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो था, पर ये हम दोनों के लिए बिल्कुल नया था। सच में नया था, क्योंकि हमने ऐसा कभी देखी नहीं है। और औरंगाबाद तो हमारे महाराष्ट्र में ही है और हमारे बहुत नजदीक है, हमारे गांव के। हाँ। तो मतलब मुझे तो बुरा भी लगा, मतलब बुरा तो लगा, जाहिर सी बात है, बुरा लगना ही। तो मतलब कहने को तो कुछ बहुत कुछ है पर कुछ नहीं है, ऐसा भी है। और जो एक इसमें सिर्फ एक बात ऐड करना चाहूँगा मैं, कि जो लास्ट में इन्होंने बताया कि आर्टिकल है एक कि किसी भी जो मस्जिद है जो पिछले ज़माने में ही बदल गया है मंदिर में, या मंदिर है जो पिछले ज़माने में ही बदल गया है मस्जिद में, तो उसे बिल्कुल भी नहीं बदला जाएगा। ये आर्टिकल है तो इसके ऊपर ही सब डिपेंड है अभी जो होगा वो। और अगर ये आर्टिकल है तो कोर्ट में भी इसे मतलब देना चाहिए और कुछ भी नहीं बदलना चाहिए, जो जैसा है वैसा ही रहना चाहिए। तो और आपको इस वीडियो में क्या लगा है आप ज़रूर हमें कमेंट में बताइए कि कितनी आपको अच्छी लगी है वीडियो, क्योंकि हमने कभी भी इतने सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर कभी वीडियो नहीं बनाई और हमें खुद भी नहीं पता चल रहा है कि हम इस पर क्या बोले। तो इसीलिए आपको कैसा लग रहा है वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए हम अगले वीडियो में।